अमौर प्रखंड क्षेत्र के धुरपेली पंचायत के मधवा कोला राजद के प्रधान महासचिव मिन्नत खान के आवास पर पहुंचे युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब, जहां कार्यकर्ताओं ने मिलकर इनका स्वागत किया। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 23 मार्च को जो विधानसभा घेराव के दौरान जो सरकार नीतीश कुमार के घिनौने कार्य से पुलिस द्वारा जो हमले करवाया था, उसमें राजद के बहुत से कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुए हैं, जिसमें अमौर से युवा प्रधान महासचिव मिन्नत खान का भी हाथ टूट गया, जिससे मिलने एवं उनको सम्मानित करने आए हैं और इन्हें कुछ भी आवश्यकता हो तो उन्हें पार्टी पूरी करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मिन्नत की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। नीतीश कुमार जी के उन वादों को याद कराने के लिए जमा हुए कि उन्होंने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो 5 महीना बीतने के बाद 19 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला, तो जिसकी वजह से पूरे बिहार के युवा छात्र वहां जमा हुए। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने गुंडों से, पत्थर से, लाठी से पिटवाया, जान मारने की साजिश की, जानलेवा हमला किया। यही नहीं, तेजस्वी जी पर भी जानलेवा हमला किया, बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाया। यही नहीं किया, डकमंगला जैसे चौराहा पर जो पौष इलाका है वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, कोई काम वहाँ नहीं हो रहा है। आखिर वो बड़े बड़े पत्थर आए कहाँ से? पुलिस के हाथ में वो पत्थर कहाँ गए? जदयू के एक विधायक का वहाँ मकान है, उसके ऊपर से पत्थर बरस रहे थे, उसके छत के ऊपर पत्थर कैसे गए? जबकि एक दिन पहले से वहाँ 1000 से ज़्यादा पुलिस तैनात थी, इस खदशा में कि 1 लाख से ज़्यादा लोग युवा आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए, फिर हजारों पुलिस वाले के सामने से वो पत्थर कैसे कोई लेके आया और वहां रख दिया? मुमकिन नहीं है। ये बात समझ जाइए कि लोगों ने जानबूझ करके एक साजिश के तहत नीतीश कुमार और भाजपा के गुंडों ने घेर करके वहां हमारा और हमारे हजारों साथी जख्मी हुए बुरी तरह से। उसमें एक मिन्नत भी हमारा वहां जख्मी हो गया बुरी तरह से, जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, इनका हाथ ये टूट गया है, फ्रैक्चर कर गया है किस तरह से। तो इसलिए तेजस्वी जी ने मुझे कहा कि हम आसाम और बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, आप जाइए, हमारी तरफ से तमाम साथियों को सम्मानित कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए, क्या जरूरत है, कोई जरूरत है तो हम उसको पूरी करेंगे, हम अपने लोगों को यूं ही अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हम आए, पूरे बिहार के सभी जिला हम जा रहे हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा ज़िला हम घूम चुके हैं। इसी क्रम में आज जो है मतलब अररिया और सुपौल वगैरह होते हुए आज पूर्णिया पहुंचे हैं। तो पूरी पार्टी खड़ी है, ये 21 आंदोलन का नेता मिन्नत खान, इसका खून बेकार नहीं जाएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, हमारे कार्यकर्ताओं का लहू बेकार नहीं जाएगा। ये लहू नहीं है, ये इनकलाब है आपके खिलाफ। आपने विधायकों को जूते से मरवाया, अरे वो विधायक 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब है बिहार के आवाम को अपने जूते से मरवाया है। नीतीश जी को कभी इंसान तो इंसान, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मिन्नत खान हमारा एक मजबूत साथी है और हमेशा रहेगा, इसका खून कभी बेकार नहीं जाएगा। और नीतीश जी, अगर आप सोचते हैं कि आपके लाठी डंडे या पत्थरों से हम डर जाएंगे तो आप भ्रम में हैं। आपके पत्थर के डर से हमारे हौसले नहीं टूटेंगे, आपके लाठी के डर से हमारे हिम्मत नहीं टूटेंगे, आपके गोली के डर से हम डरने वाले, आपकी गोली से हम डरने वाले नहीं हैं। हम दोगुनी ताकत के साथ और लड़ाई शुरू करेंगे, जब तक कि 19 लाख रोजगार नहीं दोगे, महंगाई कम नहीं करोगे, हम आपके खिलाफ और तीव्रता के साथ आंदोलन करेंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक जोरदार आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जो इससे भी दोगुनी तिगुनी ताकत के साथ शुरू करेंगे और उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश जी, आपको तो देख के हिटलर भी ऊपर से शर्मा रहा होगा कि मेरा भी बाप बिहार में बैठा हुआ है। नीतीश जी को किंग जोंग कुमार बनने का शौक है, नीतीश जी को तानाशाह बनने का शौक है, तो नीतीश जी, तानाशाह को जिस तरह से लोगों ने वहां सबक सिखाया था, उसी तरह बिहार की जनता भी आपको सबक सिखाएगी।